फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और आज हम बहुत ही अच्छे विषय पे बात कर रहे हैं, मतलब जो आप पिछले 50 साल से जो मुद्दा सुनते आ रहे हैं, जो शायद दादाजी बोलते थे, फिर पिताजी बोलते हैं, आज उनके लड़के बोल रहे हैं, फिर उनके बच्चे भी बोलते आएंगे, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है महंगाई। और महंगाई केवल आपको इन एपिसोडों में केवल समस्या ही नहीं बताई जाएगी, महंगाई का निदान भी बताया जाएगा, किस तरह से आप कमाई कर सकते हैं, किस तरह से आप महंगाई से मुकाबला कर सकते हैं। फोर्स न्यूज के ऊपर ये एपिसोड 2 से 3 भागों में हो सकता है। आप चूंकि ये लंबा नहीं हो जाए, इसलिए हमने इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किए हैं। और इस मुद्दे पे हमारे पास बात करने के लिए जयपुर शहर के बहुत ही विद्वान व्यक्ति श्री राकेश जी सोगानी हमारे साथ में है। राकेश जी, जब हम लोग महंगाई के बारे में बात करते हैं तो इसमें महंगाई में सबसे पहले आता है आदमी का खाना। अब उस खाना मतलब रोटी के संबंध में क्या महंगाई है, उससे मुकाबला किया जा सकता है? महंगाई की समस्या किसने पैदा की, महंगाई की समस्या किसको है? इंसान को। इसका समाधान कौन ढूंढेगा? इंसान। आज तक कभी हमने इस पर कोई चर्चा ही नहीं की, इसको गंभीरता से नहीं लिया कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। जब इस पे हम खोज करेंगे कि इस समस्याएं पैदा क्यों हुई, तो हमको 500 साल 400 साल पीछे जाना होगा कि ये समस्याएं किस तरह से पैदा हुई। जब हमारे पास पहले का खाना और आज के खाने में जब परिवर्तन आया तो पैदा हुई समस्या महंगाई। आज का खाना और पहले के खाने को जब हम कल्पना करेंगे उनके मूल्यांकन से उनसे, तो आज हम केवल खाना खा रहे हैं हमारी बचत को हमारी बीमारियों में लगाने के लिए। जो हम पूरे 20 साल 30 साल बचत करते हैं उनको हम बाद में जाके बीमारियों में खर्च करने के लिए, यही हमारा क्रम चल रहा है। हम इस महंगाई की समस्या को अगर हम पीछे चले जाएंगे तो समाधान अपने आप स्वतः हो जाएगा। मेरी जब मैरिज हुई तो मैंने मेरी घरवाली से कहा कि अगर तुम्हें मुल्तानी मिट्टी से नहाना है तो सारे गुण उसमें, सारे औषध गुण उसमें हैं, और आपको कहीं भी आप मेरी कमाई कम नहीं पड़ेगी। मगर आपको जब ये नए विज्ञापनों के नए शैम्पू और नए ये परफ्यूम यूज करने हैं तो आपको बिल्कुल इस समस्या का समाधान स्वयं को खोजना होगा। हमने कहा अगर आपको 300 ml दूध पीना है जो 18 रुपए 15 रुपए में आपको आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 18 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पीनी है आपको, तो उसके लिए बीमारी के लिए भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको कमाना होगा। हमने कहा कि अगर अपनी जीवन शैली को 50 साल 500 साल पुरानी तरह से चले जाए और हम वापस उसकी तरफ दौड़े तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और महंगाई की कोई समस्या नहीं। राकेश जी ने भोजन से और जीवन शैली तक की बात की है, और मतलब वापस हम लोग जब इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आपको 500 साल पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राकेश जी, मैं जहाँ तक सोचता हूँ केवल 50 साल भी पहले चले जाएं, जहाँ आप मोटा अनाज खा सकते हैं, जहाँ बाजरे की, ज्वार की और वो रोटी जब खाते हैं आपको एक तो कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी नहीं होती, और सब्जी भी आपके पास में, आप अपने आज भी चलन है कि किचन गार्डन जैसा, अगर आप एक सब्जी और रोटी बनाते हैं और खाते हैं तो महंगाई नहीं है। लेकिन यदि आप पिज्जा मंगवा रहे हैं, बर्गर मंगवा रहे हैं, जोमेटो से खरीदारी करवा रहे हैं या ऊबर ईट से माल मंगवा रहे हैं, और फिर आप वो जो रोटी हम घर के अंदर 1.5 से 2 रुपए की बना के खाते हैं, वही अगर आपको 30 रुपए की 40 रुपए की रोटी मतलब 100 गुना 200 गुना में जब वो आपके यहाँ जोमेटो और ऊबर ईट से आती है, तब वहां जाके महंगाई आपको समझ में आती है। घर में बनाया हुआ हलवा आपको मुश्किल से कोई 150 रुपए किलो भी नहीं पड़ेगा, देशी घी में आप बनाए, लेकिन आप यदि उसको जोमेटो से ऊबर से मंगवाएंगे तो 450 रुपए किलो। ठीक है, आप कह रहे हो कि यदि मेरा कहीं ना कहीं हम आपका शौक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आय सीमित है, विशेष तौर से मध्यम वर्ग की आय सीमित है, विशेष तौर से नौकरी पेशा लोगों की आय सीमित है, विशेष रूप से दुकानदार की। जब आपकी आय सीमित है तो आप अनलिमिटेड खर्चा कैसे कर सकते हैं, तो महंगाई आपके सामने आएगी। इस जो अपन भोजन के संबंध में बात कर रहे हैं राकेश जी, सर महंगाई की समस्या वो लोग पैदा कर रहे हैं जो अफोर्ड करते हैं पिज्जा और बर्गर,
जो अफोर्ड करते हैं 500 रुपए का, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो उस पिज्जा और बर्गर से भी बहुत अच्छी चीज जो घर में पड़ी हुई है, जो बहुत कम कीमत पे वो खा सकता है, तो वो उसको जब प्रभावित करता है, उसकी मानसिकता को प्रभावित करता है। तो महंगाई केवल एक समस्या है सोच की। महंगाई अगर आपको उसी सोच से जिससे आपको महंगाई लगती है, जिस सोच से आपको महंगाई की समस्या पैदा हुई, उसी सोच पे आप इसको छोड़ दें, और वही सोच आपको समाधान देगी कि इसका समाधान क्या है। हमको अपना खान पान कैसे परिवर्तित करना है, कैसे हमको जीना है, अपनी जीवन शैली को कैसे देना है, तो स्वयं वो सोच आपको समाधान दे देगी।